बिस्मिल्लाह रहमान रहीम काबले सादा एहतराम यहाँ के लोकल सीनियर सिटीजन्स डॉक्टर साहब मजीद साहब बीएलओ हजरत हमारे यहाँ के स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और जनाब मास्टर हबीबुर्रहमान शाकिर साहब हमारी ख्वातीन बहनें क्योंकि बैग टीम से आई हैं और यहाँ के शहरी हजरत जैसा कि आप जानते हैं कि आज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो चल रहा है यानी जमहूरियत का त्यौहार और एक लंबा त्यौहार है। एक महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं और स्वीप का मतलब होता है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। एक तो हम वोटर्स के एजुकेट करते हैं कि आपका वोट बनेगा कैसे, कब बनेगा और कैसे आपने पोल करना है। दूसरा ये है कि जहाँ पे जिस भी कम्युनिटी में जिस एरिया में जिस पोलिंग बूथ पे वोटिंग कम होती है वहाँ के लोगों को हम ये कहते हैं भाई पोलिंग कम नहीं होनी चाहिए, जमहूरियत में हर एक का हिस्सा होना चाहिए। और रही बात आपने किसको वोट डालना है, ये जो है नो यूआर कैंडिडेट एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐप निकली है KYC नो यूआर कैंडिडेट। कैंडिडेट के बारे में पहले कम से कम उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, आंखें बंद करके वोट डालना ज़रूरी नहीं है कि अपने कैंडिडेट को जाने। जो फर्स्ट टाइम वोटर है हमारा 18 साल का हमारी बच्ची या बच्चा होता है तो वोट डालने के लिए जाएगा, उसको अवेयरनेस नहीं होती है, उसको वो KYC से उस अपने जो कैंडिडेट है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंसी का उसको पढ़ना ज़रूरी है। क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो काम ना कर सके इलाके का, तो इतना जानकारी रख कर ही वोट डालें। और एक वोट ही उस इलाके की आइंदा आने वाले 5 साल के मुकद्दर का ज़ामिन बनेगा कि वहाँ क्या होने वाला है 5 साल आगे, ये ज़रूरी है। तो उसके अलावा ये है कि हम यहाँ पे लोगों को ये अवेयरनेस दें कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं 85 साल से ऊपर PWD वोटर्स जो पर्सन विद फिज़िकली डिसेबल हैं उनके वोट हम घर से कलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पुंछ में, इसी तरीके से आइंदा भी उनको घर से ही होंगे। और उसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग 85 से कम हैं उनको भी बताया जाए कि आपके लिए पोलिंग स्टेशन पे व्हील चेयर है, आपके लिए पोलिंग स्टेशन पे रैंप है, आपके लिए पोलिंग स्टेशन पे पानी की सहूलियात हैं, आपके लिए पोलिंग स्टेशन पे वेटिंग रूम है, आपके लिए पोलिंग स्टेशन पे हेल्थ की जो है फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आपकी केयर करने के लिए आपको फर्स्ट एड देने के लिए हमारे पास बैग टीम की टीम जो है मौजूद होती है पोलिंग स्टेशन पे। ये अवेयरनेस उनको देनी है ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे कोई बीमारी है छोटी मोटी, ब्लड प्रेशर है या कुछ और है, तो वो आदमी भी अपनी मेडिसिन साथ में लेकर आए, अगर साथ में लेकर नहीं आता है तब भी वो बैग टीम से रابطہ करके ताकि उसको हम फर्स्ट एड दे सकें। तो कहने का मकसद है कि हर हीला जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि पोलिंग हो इलाके की 100% पोलिंग हो और उनकी चॉइस के मुताबिक हो, कहीं रिश्वत का बाज़ार गर्म ना हो जैसे कि हमारे यहाँ के बहुत सारे साथियों ने कहा, कहीं धांधली ना हो और लोगों को आज़ादाना तरीके से उनकी मर्ज़ी से उनको वोट डालना दिया जाए, प्रेशराइज ना किया जाए कि नहीं तो इसको डालेगा तो तब बचेगा वरना नहीं बचेगा, ऐसा ना किया जाए। आज़ादाना माहौल जैसे एक पिंजरे से जो है वो पंछी उड़कर आज़ाद आसमान की तरफ जाता है फिर लौट कर वापस आता है, उसी तरीके से उसको यहाँ आना दिया जाए, वोट डालना दिया जाए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक और फिर उसको वापस घर जाना दिया जाए। उसके बाद भी उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और वोटिंग से पहले भी उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्वीप टीम का गर्ज और गाइड और मकसद होता है जिसकी निगरानी डायरेक्टली हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब जो कर रहे हैं। इसीलिए स्वीप टीम जो है वो संडे हो या मंडे हो, हॉलीडे हो, कोई भी हो, आज संडे पे भी यहाँ पे माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज हुआ है बीएलओ हजरात की मदद से और यहाँ की बैग टीम की मदद से। हम सब जो है बैग टीम का, बीएलओ हजरात का और यहाँ के सीनियर सिटीज़न मुअज्ज़ज़ हजरात जो यहाँ पे आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, शुक्रिया।